जिस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी में ये हार भारतीय टीम को देखने को मिली है, कभी उम्मीद नहीं थी कि फाइनल में आकर इस तरीके से टीम इंडिया निराश कर देगी। इस चैंपियनशिप की चोटी की टीम, इस चैंपियनशिप की डिफेंडिंग चैंपियन, लेकिन उस सब के बीच नतीजा कुछ ऐसा है जिस पर किसी भारतीय टीम इंडिया को खुद विश्वास नहीं हो रहा होगा। किस तरीके से बल्लेबाजों ने पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया, पूरी टीम इंडिया ने ही सरेंडर कर दिया। पहले तो पाकिस्तान की टीम को 300 के पार जाने दिया, 339 का जब लक्ष्य सामने था, एक एक कर बल्लेबाज। शुरुआत के जो 16 गेंद थे उसमें दो जो हमारे सबसे बड़ी उम्मीद थे टीम इंडिया के, पहले तो ओपनर रोहित शर्मा, उसके बाद कप्तान विराट कोहली, दोनों पवेलियन रवाना हो चुके थे। एक दफा थोड़ी देर के लिए मैच में लगा जब हार्दिक पांड्या रन बना रहे थे, लेकिन 6 विकेट तब भी गिर चुके थे, लेकिन एक अजीब से रन आउट में वो भी उनका भी विकेट चला गया और आखिरकार पूरी टीम इंडिया सिमट गई एक ऐसे टोटल पर जहां पर 180 रन से पाकिस्तान ने जीत हासिल कर ली है। मदन लाल जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, विक्रांत गुप्ता ओवल के बाहर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रांत, नाउमीदी की भी हद इसी को कहेंगे कि एक ऐसी बेहतरीन टीम, ऐसा नहीं है टीम इंडिया खराब हो जाती है, एक ऐसी बेहतरीन टीम जिसने इतनी करारी शिकस्त को आज झेला है चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में। सही बात है श्वेता, और बैड डे सुबह से ही, क्योंकि जब विकेट मिला भारत को, नो बॉल पर कैच हुआ, उस वक्त लग रहा था कि साइंस अच्छे नहीं है। पाकिस्तान की पहले तारीफ, क्योंकि एक ऐसी टीम जो नीचे से ऊपर आई, एक ऐसी टीम जो 2 साल पहले इसलिए क्वालिफाई कर पाई थी क्योंकि वो जिम्बाब्वे नहीं गई, जिम्बाब्वे जाते शायद पहला मैच हार जाते तो वेस्ट इंडीज क्वालिफाई करता। आप अंदाजा लगाइए 8 नंबर की टीम अगर आज जीती है तो ए वो टीम डिजर्व करती थी जीतना। दूसरी बात ये कि भारत ने आज वाकई में वो कहते हैं ना कि हाथ में प्लेट में डालकर उनको मैच दिया। टॉस जीतकर आपको पहले गेंदबाजी करनी थी, वो सही था फैसला, लेकिन आज जो मैं क्रिकेट देख रहे हैं श्वेता, यहाँ पर 5 फील्डर अगर सर्कल में है और जिस तरह से मॉडर्न डे क्रिकेट चल रही है, आपको 5 स्पेशलिस्ट गेंदबाज चाहिए। आप अंदाजा लगाइए कि आपके रविंद्र जडेजा, अश्विन और केदार जाधव के 3 ओवर, 21 ओवरों में 165 रन आपने दिए, स्पिनर आपकी ताकत है, 165 रन 21 ओवर में देकर आप कहां से रोक लेंगे? और पाकिस्तान किसने सोचा था कि बैटिंग इतनी अच्छी करेगा, हमें था कि उनकी गेंदबाजी थी। आपको याद होगा ब्रेक शो में भी श्वेता हम मिले थे, हमने कहा था कि नाउमीद तो नहीं होंगे, लेकिन अगर भारत 15 ओवर खेलेगा तो भारत 340 भी चेस कर सकता। 15 ओवर में आपके आउट हो चुके थे, आप 15 ओवर में तो आपकी मेरे आधी टीम आउट हो चुकी थी। तो नई गेंद का ही खेल था, पाकिस्तान का दिन था, भारत का दिन नहीं था। लेकिन लोग, मैं अभी मैदान से बाहर आया हूं और भारतीय फैंस तो चले गए, भारतीय फैंस तो मैदान छोड़ चुके थे, वो एक एक कर चले गए थे। पाकिस्तानी फैंस ऑब्वियसली उनकी जीत है, जज्बा है, और चूंकि सोशल मीडिया पर भारत पाकिस्तान का बड़ा लड़ाई चल रही है ना, तो पाकिस्तानी फैंस काफी मैं ये कहूंगा कि जीत के बाद काफी उनका शोर हल्ला गुल्ला चल रहा था। तो किसी एक ने मुझे कहा कि भाई आप ICC के फाइनल में खेल रहे हो और इतना बड़ी हार, तो मैंने उनको कहा यार 99 वर्ल्ड कप यही हुआ था, पाकिस्तान की टीम भी 120 ऑल आउट हो गई थी, तो ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आगे चलकर विराट कोहली की इस टीम को चैंपियन बनना है तो कई कमियां आज दिखी, जैसे मैंने पहले भी कहा था श्वेता, जीतते हुए तो कमियां नहीं दिखती हैं, हारने में दिख गई आज। अश्विन जडेजा जहां पर गेंद टर्न नहीं होगा इनफेक्टिव है, आपको रिप्लेसमेंट चाहिए, आपको वैरायटी चाहिए। आप टॉप 3 बल्लेबाजों के सिर पर खेल रहे थे, शिखर, रोहित और विराट, वो हर मैच में रन बना रहे थे, आप रन बना रहे थे, तो ये आज दबाव का मैच था। मेरा अभी भी मानना है कि अगर आप इन 50 ओवर को रिप्ले करें, 340 का दोबारा से टारगेट हो, और अगर नई गेंद पर रोहित शर्मा, विराट आउट ना होते तो हो सकता है भारत 340 केस करता, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि ड्रेसिंग रूम इतने हल्के से और इतनी आसानी से हार मान ले। वाकई बहुत ज्यादा जो डिप्रेशन होती है सभी भारतीय फैंस को, विक्रांत क्या कहें, जिस तरीके से हम लगातार बात कर रहे थे, हालांकि एक थोड़ी सी खुशी इस तरीके से आई कि हॉकी, जो कि हॉकी का मुकाबला, लीग का मुकाबला जो चल रहा था लंदन में ही, वहां पर पाकिस्तान को 7-1 से शिकस्त दी है। लेकिन चूंकि हम लगातार क्रिकेट की बात कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं कहेंगे कि चलिए वहां की जीत हो गई है तो यहां नहीं, इस टीम से ऐसी अपेक्षा नहीं थी। ठीक है, हमारी टीम उतना अच्छा खेली, ठीक है आज अच्छा नहीं खेली, हमें इस टीम मैच में होता ही, बट लेकिन जो केदार जाधव हैं, ऐसा खेलते हैं जैसा कि वो, उनको कुछ पता ही नहीं, हमको पता है कि आप सिचुएशन देख रहे हैं, 5 विकेट गिरे हैं, हार्दिक पांड्या दोनों आप मेन बैट्समैन है, उसके बाद में पीछे कोई प्लेयर नहीं है, आप ऐसा कैसे शॉट मार सकते हैं, ऐसा खेल रहे हैं आप जैसा कि आप एक 10-15 रन है मैच जीतने के लिए। तो इन लोगों को बोलना पड़ेगा, देखिए केदार जाधव के बारे में लोग कहते हैं कि ठीक है बहुत जबरदस्त खेलते हैं, 10 मैच में से 1 मैच जीतना कोई बड़ी बात नहीं है।
दरअसल आपको हमको मैच प्लेयर्स की कंसिस्टेंसी चाहिए, जैसे विराट कोहली है, जैसे रोहित शर्मा है, शिखर धवन है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस होना चाहिए। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे अगर आप मैच को नजदीक नहीं ले जा सकते तो फिर आप खेलने का वही नहीं है। बट लेकिन पाकिस्तान टीम को हम दाद देनी चाहिए, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। हमने जब 3 विकेट गिर गए वहां पे हमारा बैकबोन हो गया, बट लेकिन विराट कोहली फिर भी बॉल थोड़ा सा स्विंग होता है वहां पे, थोड़ा फाउंड वांटिंग था, थोड़ी जल्दी किया है कि थोड़ा सा हल्का सा रोकते 2-3 ओवर गेम को चलाते, क्योंकि देखिए गेंद मूव कर रहा है, जब गेंद मूव कर रहा हो तब तो चांसेस ज्यादा होते हैं आउट होने के। एक उनका कैच भी ड्रॉप हुआ स्लिप में, पर उसी टाइम पे इनको थोड़ा सा इसको संभल जाना चाहिए था कि मैं थोड़ा सा गेम को ब्लॉक करता हूँ, अगर क्योंकि डर उनको इससे ही था ज्यादा से ज्यादा डर। अगर आप देखें हार्दिक पांडे ने कितने जबरदस्त बैटिंग की, अगर पाकिस्तान मैच इसलिए जीता कि हमको ऑल आउट किया, अगर पाकिस्तान हमको ऑल आउट नहीं करता वो मैच कभी भी नहीं जीत सकते थे। अगर मेरे ख्याल में हम 6-7 विकेट भी डाउन होते तो हम मैच जीते थे।